जिले के एसएसपी ने किया हर चौक चौराहे को सैनिटाइज। धनबाद में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद धनबाद में सामाजिक संस्था एक और प्रयास ने धनबाद में विभिन्न चौक चौराहों को धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, एसपी अमित रेणु और आर रामकुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारियों के साथ मिलकर एसएसपी के देखरेख में थाना, रेलवे स्टेशन, पुलिस चेक पोस्ट को खुद सैनिटाइज किया ताकि संक्रमण का चैन को तोड़ा जा सके। वहीं एक और प्रयास के संचालक मानस प्रसून ने बताया कि लगातार हमारी संस्था लोगों के बीच काम कर रही है। कल से वरीय पुलिस अधीक्षक के सहयोग से हर जगह सैनिटाइज कर रही है, साथ ही कहा कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। आज पुलिस जो मुख्यालय है वहां पे हुआ, धनबाद थाना हुआ, उसके बाद बैरक्स हुए और अपना जो चौक है वो उन सारे चौकों पर, फिर विनोद बिहारी चौक से होते हुए अभी रंधेरोरा चौक तक, अब आगे पुलिस स्टेशन बैंगोड़ होते हुए जो भी प्रमुख चौराहे हैं उनको हम लोग सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं, जैसा कल से शुरू हुआ है एक साथ। और हमारी संस्था एक और प्रयास लगातार पिछले कई वर्षों से तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना जब से शुरू हुआ तब से हम लोग सैनिटाइजिंग का काम शुरू किए हैं और ये आगे जारी रहे। अतन तो लोगों को देखिए, हम लोग सबसे बड़ा काम सैनिटाइज है, लोग अपने में सैनिटाइज रहे, हाथ को सैनिटाइज करें और किसी न किसी रूप में अपना कार्य ये करना आवश्यक है कि हमको स्वच्छता में ज्यादा ध्यान। हमारे बैनर के साथ हमारे धनबाद पुलिस और रोटरी क्लब सब हमारे साथ हैं। सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के धनबाद पुलिस ने एक संकल्प लिया है कि जितने भी ऐसे स्थान जो कि सार्वजनिक हैं जहां पर लोगों का आना जाना रहता है उन स्थानों को सैनिटाइज करना। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण से इन्फेक्शन से बचने के लिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज करने से लाभ हो सकता है, वो पुलिस ऑफिस हो या पुलिस लाइन हो या इवन कलेक्ट्रेट हो या चौक चौराहे रजीवर्मा चौक जैसी जगह हो या वैसे हाट बाजार जहाँ लोगों का आना जाना रहता है, उन सभी जगहों पर हम लोग का प्रयास है कि हम लोग सरकार से सैनिटाइजेशन की जो सैनिटाइजेशन की मुहिम है उसको हम लोग